बैठे हैं और क्या हुआ यहाँ पे अभी? ये परेशान था ए भैया, एक मिनट सब चुप रहो। लगभग 200 करोड़ रुपए की उधारी हो चुकी है, सिवाय नगर निगम को बेचने के अलावा कुछ बचा नहीं है। देवास का मधुकोड़ा सुभाष शर्मा लील गया, इस नगर निगम को खा गया। जनता पूछना चाहती है कि पैसा गया कहाँ, आखिर कब तक चुकाओगे उनकी उधारी ठेकेदारों की, निर्माण कार्य कब शुरू होंगे देवास में? जितनी मुरम का बिल और पानी का बिल गया, दो देवास की टेकरी आ जाए इस 5 साल में, इतने मुरम के बिल भर्ती हो गए। मेरा आरोप है सुभाष शर्मा जी और उनके साथी संलिप्त हैं ठेकेदारों के साथ। आज जनता पूछना चाहती है, युवक कांग्रेस विधायक का परिवार में, युवक कांग्रेस पूछना चाहती है कि हिसाब दे, जनता के सामने हिसाब रखे और श्वेत पत्र जारी करना चाहिए नगर निगम को कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति क्या है। महापौर जी एक तरफ झूठ बोलते हैं कि हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है, इतने पैसे हमको देना नहीं है, दूसरी तरफ सूचना के अधिकार में मुझे लिख कर दिया गया है कि 179 करोड़ से ऊपर बकाया है। आखिर क्या मजाक है? देवास को खाने वाले ये लोग, इनके ऊपर तो FIR दर्ज होना चाहिए। हम बहुत जल्दी आर्थिक अपराध में भी बात रखेंगे। टाइम लिया, लिखित में दिया महापौर जी को कि देवास के ही सब बाशिंदे आपसे चर्चा करना चाहते हैं। आखिर देवास हमारा है, देवास को लूटने का अधिकार महापौर को कभी लेने नहीं देंगे। अगर आज सुभाष शर्मा जी बात करें नहीं आए यहाँ पर, तो चरणबद्ध तरीके से उनके घर पे भी अगली बार आना। देखा गया अभी कि महापौर की नेम प्लेट भी फोड़ी है, धक्का मुक्की में कोई हुआ है? मैंने अपने हाथ से शहर कांग्रेस अपने हाथ से नेम प्लेट लगाई है। अगर धक्का मुक्की गिरती तो अलग बात है, हमारा कोई भी साथी इस तरह कृत्य नहीं करेगा। हम जानते हैं कानून को अपने हाथ में ले लेंगे, पर प्रजातंत्र में अधिकार हमको है कि हम जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से पूछें कि देवास की जनता ने जो तुमको मैं गाड़ी कमाई का पैसा दिया था वो कहाँ गया? भैया महापौर कक्ष में ताला भी लगाया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? भाई सीधी बात है, तुम लोग यहाँ पे अगर मिलने नहीं आ रहे हो तो तुम्हारी जरूरत क्या नगर निगम में? ताला लगा दिया कोई अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है? महापौर जी को चाहिए कि हमने तो घर पे लिखित में भेजा, हमको सूचना दी गई है कि हमसे बात क्यों नहीं करते? क्या हमको गुंडे बदमाश है क्या? पार्टी के प्रतिनिधि है, अध्यक्ष है, नेता है, सब लोग बैठे हैं, विधानसभा नेता बैठे हैं, पूरे महापौर आए यहाँ पर, आके बात क्यों नहीं करते? सफाई देना चाहिए जनता को। और मैं तो कहता हूँ श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करती नगर निगम के, देवास की वास्तविकता क्या है? जनता पूछना चाहती है कि आखिर क्या बात है कि जो इतना भ्रष्टाचार कर लिया उसकी देनदारियां कौन देगा? ये तो 2 महीने बाद घर चलते बनेंगे वापस, उसके बाद का क्या? हम तो आंदोलन करेंगे, जनता की अदालत में ले जाएंगे और सरकार से भी शिकायत करेंगे कि इसके आर्थिक अपराध में जांच होना चाहिए। कांग्रेस